करैल विधानसभा क्षेत्र में जो ना उपचुनाव होना है, ऐसे में जो ना पुलिस प्रशासन किस तरह से कमर कसे हुए हैं और कैसी कैसी चेकिंग चल रही है, और आज जो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, किस तरह की हासिल हुई है सर? माननीय निर्वाचन आयोग के निर्धारण रूप जो है, जो चुनाव अधिसूचना लगी हुई है, उसके संबंध में SST की टीम और हमारी थाना पुलिस और पैरामेडिक फोर्स जो दुमिला बॉर्डर पर चेकिंग की रही थी, उस चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध जो चार पहिया वाहन थे उसको रोका गया। रोकने पर एक अशोक कुमार सना, प्रेम किशोर जो एटा के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी से 11 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, और दूसरी गाड़ी जो थी वो डस्टर थी जो मोहित सनाफ संजीव यादव जो इटावा के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी से 15,80,000 रुपये बरामद हुआ है। इन लोगों के पास कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं था कि ये पैसा कहाँ से निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, तो उनको कोई प्रमाण नहीं दे पाया, इसलिए उसको जब्त कर लिया गया है और ट्रेजरी में इसको रखा गया है। इनके द्वारा आगे जो रिकॉर्ड दिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है ये दोनों व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे, क्या लगता है आपने क्या जांच में पाया है? ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इन लोग कहना था कि इनके घर पे एक बेटी की सगाई होने वाली है, उस सगाई के लिए पैसा ले जा रहे थे।